What's up guys, welcome back to the channel। आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले Minecraft Survival Series और आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ अपने डॉग का स्टैचू, जो कि मेरा पहला पेट था सब्सक्राइब, उसका स्टैचू बनाने वाला हूँ मैं। और आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, हमने पिछले वाले एपिसोड में एक एंडरमैन फार्म बनाया था जो कि बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। उससे ही हमने सारी चीजें रिपेयर की थी आर्मर वार्मर, लेकिन ये मेरा फिर से डैमेज हो गया था और मैंने दो तीन चक्कर फिर से लगा लिए थे क्योंकि मैंने अपने घर के आसपास बहुत सारा काम किया है जो कि मैं आपको आज की वीडियो में दिखलाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो मैं किस घर में रह रहा हूँ। ये कोई घर नहीं है, ये अंडरग्राउंड मैंने बेस बनाया था। इसके अंदर आया था मैं थोड़े टाइम के लिए और इसका मैंने ये जो स्टार्टिंग का है ना, ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी मैं आपको फर्स्ट पर्सन में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस किया। यहाँ पे मैंने एक सीढ़ियां टाइप बना दी है ताकि मेरे ब्लेजर्स को दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं ब्लेजर्स लेके आया हूँ, अपने घर के आसपास भी लेके आया हूँ, इनको ब्रीडिंग कराई है मैंने और आजकल मेरे ब्लेजर्स इसके अंदर ही रह रहे हैं, इसीलिए मैंने ये दरवाजा खोल दिया ताकि ये लोग फिर सकें और इधर उधर जा सकें। अभी फिलहाल काम की बात कर लेते हैं और काम की बात यही है कि मैं बहुत सारे ब्लेजर्स लेके आया हूँ और भी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ मैं क्या क्या चीजें मैंने चेंजेस की है। पहले एक काम करता हूँ, हेलमेट पहनता हूँ, लेकिन एक सेकंड, मेरा इलाइटर टूटने वाला है तो एक काम करता हूँ मैं अपना रियल इलाइटर निकालता हूँ जो कि है एंडर चेस्ट में। एक सेकंड, मेरी एंडर चेस्ट कहाँ पे? ओके, मैं आ गया हूँ घर में और यहाँ पे भी बहुत सारे मैंने ब्लेजर्स लेके आया हूँ मैं और ये रही मेरी एंडर चेस्ट। अभी गाइस मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, आ जाओ फिर दिखलाना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन एक सेकंड, मैंने अपने शुल्कर बॉक्स अभी तक नहीं उठाए। ओके ओके, अभी बात कर लेते हैं ये एरिया था कहाँ तक। तो मैंने ये एरिया बनाया था ऊपर तक और यहाँ तक मेरी ग्रास थी, लेकिन मैंने ये ग्रास बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिए। यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा ग्रास लगा दिया और ये पूरा का पूरा पानी यहाँ पे घिर चुका है। और गाइज मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा एरिया वहां का भी फ्लैट करके मैं कुछ ना कुछ अच्छी चीज बनाऊ, यानी कि सिटी बनाऊ पूरे की पूरी। और ये तो अपने बेकार ब्लेजर का हाउस, इनको भी मैं अपग्रेड करूंगा। अभी गाइज हमें एक काम करना होगा, हमें यहाँ पे नाइट विजन के पोर्शन बनाने होंगे। लेकिन एक सेकेंड, ओ भाई यहाँ पे ये टूट चुका है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं फिक्स कर दूंगा। लेकिन एक काम करते हैं, नाइट विजन के पोशन बनाते हैं सबसे पहले। रुको रुको रुको, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये फर्मेंटेड आई है जो हार्ट के शेप में दिख रही है, ये मेरा टेक्सचर पैक है इसलिए आपको हार्ट लग रहा है। अभी गाइज मैंने नाइट विजन के पोशन बना लिए हैं, आप लोग देख ही सकते हो। और ये मैंने क्यों बनाए मैं आपको वो भी बतलाऊंगा। ये मैंने इसलिए बनाए ताकि अगर हम कभी भी माइनिंग पे जाएं तो मैं ये लगा के ही जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और मैं टॉर्चेस वगैरह बाद में लेके जाऊंगा, अभी नहीं क्योंकि अभी हमारे पास पोशन है। अभी गाइज वैसे भी हमें यहाँ पे अभी स्टैचू बनाना है तो एक काम करते हैं, स्टैचू के लिए सामान कलेक्ट करते हैं और सामान क्या होने वाला है वो मैं आपको लोगों को बतला देता हूँ। हमें सबसे पहले कॉन्क्रीट जमा करनी होगी। कॉन्क्रीट को बनाने के लिए हमें चाहिए सैंड एंड ग्रेवल और डाई चाहिए मुझे। वैसे तो मुझे तीन तरह की कंक्रीट चाहिए, नंबर वन व्हाइट कंक्रीट, नंबर टू रेड कंक्रीट, नंबर थ्री ब्लैक कंक्रीट। तो ये तीन कंक्रीट हमें चाहिए, तीन टाइप की कंक्रीट, और इन सबको कलेक्ट करके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। वैसे भी मेरे पास सैंड बहुत सारी है लेकिन ग्रेवल की कमी है, तो एक काम करते हैं मैं ग्रेवल कलेक्ट करके और सारी सारी कंक्रीट बना के आप लोगों से मिलता हूँ। ऑल राइट गाइज, अभी हमें जितनी भी सामान की जरूरत थी वो हमने कलेक्ट कर लिया है। अभी हमें स्टैचू बनाना है सिर्फ और सिर्फ, और मैं सोच रहा हूँ मैं अपने पीछे ही बना दूँ यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि देखो मेरा जो घर है वो यहाँ पे ये पास में ही है, तो मैं जब भी निकलूंगा भाई मैं अपने सब्सक्राइब को देख लिया करूंगा यार। अभी भी भाई बहुत ज्यादा याद आता है क्योंकि हमारा पहला पेट था इस वर्ल्ड का, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दें। तो चलो गाइज बनाते हैं। आप लोग देख ही सकते हो गाइस हमारे डॉग का स्टैचू का 40% काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा ये स्टैचू बनने के लिए रह गया है, लेकिन इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप ज्यादा बोर ना हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा स्टैचू बना के ही मैं मिलता हूँ। तो ठीक है, हाँ बना के ही मिलता हूँ आपको। Thank you.
समझ रहे हो ना। फाइनली गाइस मैंने अपने डॉग का स्टैचू कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ ये कैसा लग रहा है दिखने में, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। आप लोग देख ही सकते हो भाई कितना मस्त लग रहा है ये स्टैचू, और मैं आपको इसके पास जाके भी दिखाने वाला हूँ। आप लोग साइड से भी देख सकते हो ये कैसा है, अभी मैं आपको इसके पास में जाके दिखाने वाला हूँ। और ये देखो भाई कितना जायंट है एकदम, और इसके अंदर मैंने लाइट लगा ली है, मैंने इसके अंदर लैंटर्न लगा रखी है बहुत सारी, ताकि इसके अंदर कोई भी मॉब स्पॉन ना हो सके। और मैं आप लोगों को साइड में चल करके दिखला देता हूँ ये कैसा लग रहा है। भाई इसकी पूछ ना मैंने एकदम खतरनाक बना दी, और देख ही सकते हो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। अभी ना गाइस मैं आप लोगों को किसी से तो मिलवाने वाला हूँ, तो जल्दी चलते हैं उसके पास। और आप लोग खुद ही देख सकते हो यहाँ पे कौन है, हमारा लिटिल डॉगी। मैंने 2 या 3 एपिसोड हो गए इसको मैंने पकड़ा था, टेम नहीं किया अभी तक, देख सकते हो आप लोग। अभी मैं इसको टेम भी करने वाला हूँ और उधर लेके भी जाने वाला हूँ। भाई ये चिकन क्या कर रही है यहाँ पे, चलो रहने दो इसको। अभी मैं लिटिल डॉगी को ही टेम करने वाला हूँ, तो जल्दी से पहले एक काम करता हूँ बोन लेके आता हूँ मैं, बोन से हम इसको टेम कर सकते हैं। अभी गाइस मैंने बोन एंड रोटन फ्लैश ले लिया है, तो जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे ये है रखा हुआ है। अभी गाइस मैं आ गया अपने डॉगी के पास, और मैंने ना बहुत सारी बोन एंड रोटन फ्लैश ले लिए थे, तो सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूँ इसको फीड कराने वाला हूँ। ओए हार्ट छोड़ दे, देखते हैं ये कितनी बोन खाता है। ओ 3 बोन में हो गए टेम, आ जा। ओए अरे भाई इसने किसी चिकन, टेम होने के बाद ही ये शिकार करने लगा। यहाँ पे मेरी एक चिकन थी उसको भी मार दिया इसने। एक काम करता हूँ, उसका अंडा यहाँ पे पड़ा हुआ था, अंडे में से तो कुछ नहीं निकला, लेकिन हमारा पेट बन चुका है यहाँ पे, खाएगा क्या, हार्ट्स क्यों नहीं छोड़। चलो गाइस मैंने इसको पेट बना लिया, जल्दी से चलते हैं हमारे स्टैचू पे। और मैं ऊपर, अरे ऊपर लैंडिंग प्लीज, डैमेज तो बहुत ज्यादा हो गया हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा डॉगी कहाँ पे, फिर से मैं आ गया हूँ स्टैचू पे, क्योंकि मेरा जो डॉग था इसने टेलीपोर्ट नहीं किया था यहाँ पर, लेकिन अब टेलीपोर्ट कर दिया है, अब इसको मैं बैठा दूंगा यहीं पे। अभी मैं अपने स्टैचू के सामने मैंने इस लिटिल डॉगी को बैठा दिया है अपने पेट को यहाँ पे। और मैंने ना एक और डॉगी देखा था जो कि ये रहा, ओ वुल्फी है ये तो। हेलो वुल्फी, खा ले खाना, आ जा, तुझे भी बैठाता हूँ भाई, बैठ जा यहाँ पे भाई। ये अच्छा वो ये नहीं मरा था उस टाइम पर, ये मेरा सेकेंड डॉग था इस वर्ल्ड का पूरे। अरे भाई ये बच गया, मजे आ गए भाई। ओए लेट्स गो दोस्तों, सुबह हो चुकी है। अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ अपने सेकंड पेट के पास, जो कि मेरी एक कैट थी जिसका नाम मैंने लाइक रखा था, और वो बैठी है यहाँ पर। ओए लाइक कैसी है, मस्त है ना तू। एक काम करता हूँ मैं इसके लिए फिश लेके नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, आ जा मेरे साथ चल। और ये कौन सी है, क्यूटी भाई, क्यूटी भी यहीं पर, चलो 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 चलते हैं। आप लोग देख ही सकते हो गाइस मेरे पीछे मेरे 2 डॉग हैं, एंड मेरे पीछे मेरी 2 कैट भी हैं, और मेरे ऊपर तो मेरा पैरेट है। भाई आज के दिन ना बहुत ज्यादा मस्त गया, क्योंकि मैंने आज के दिन अपने स्टैचू बनाया अपने डॉग का, और मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसका डॉग का स्टैचू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। वैसे आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुको गाइस, क्या आप लोगों को पता है 3 अक्टूबर 2023 को 3:20 पे मेरे के साथ क्या हुआ था, नहीं पता क्या, रुको मैं बता देता हूँ। गाइस कल के दिन हमारे 1K कंप्लीट हो गए थे चैनल पर, तो थैंक यू गाइस आप लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर्स करा दिए। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन, भाई कितना सारा स्पैम कर दिया भाई, कांग्रेचुलेशन पूरा चैट बॉक्स ही भर दिया कांग्रेचुलेशन से।